चौसर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और चुनावी मौसम में चौथे चरण की बात, खरगोन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, राहुल गांधी पर हमला किया और झूठा भी बताया। कहा कि चौथे चरण में सभी 8 सीटों पर बीजेपी जीतेगी और पूरे प्रदेश में मोदी माहौल ही बना हुआ है। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हुए घर में हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर से उड़ते उतरते घर में, लेकिन गरीब का ध्यान नहीं रखते। हमारी सरकार ने फैसला किया, आपके 5 सिमल के अंदर भी कोई बीमार हो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाओगे, और कोई कारण से उसको डाक इसको इंदौर ले जाना, दिल्ली या बंबई ले जाना, उसकी जान बचाना है तो माननीय मोदी जी के लिए ताली बजा, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा लेना आप सब। मुख्यमंत्री मोहन यादव खरगोन के लोकसभा क्षेत्र के बड़वानी विधानसभा पहुंचे, यहां पर उन्होंने जनसभा की, घमंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग संविधान का डर बता रहे हैं, जबकि संविधान खतरे में नहीं, इनके खानदान खतरे में है। सारे के सारे लोग जितने मोदी को गाली बकरा पानी पी पी के, ये सारे बेईमान इकट्ठे हैं। आप बताओ, लाइन से देखो, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, और तो आगे बढ़ो, इनके साथ वाले बिहार वाले लालू वो जमानत पे, वो पवार वो जमानत पे, उद्धव ठाकरे वो जमानत पे, वो जो जमानत पे नहीं वो अरविंद केजरीवाल जेल में, उसका दूसरा मंत्री जेल में, आप बताओ या तो जेल। खरगोन जिले के भीकन गांव विधानसभा क्षेत्र के हेला पड़ावा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे खंडवा बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान उन्होंने ये दावा किया कि लोकसभा चुनाव को लेकर देश में पीएम नरेंद्र मोदी की सुनामी है, और 2019 के लोकसभा चुनाव में आंधी थी लेकिन इस बार तो सुनामी चल रही है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेश्वर पाटिल ने अभी अपने संबोधन के दौरान जो सीएम मोहन यादव की सभा था उसमें कहा कि मोदी की सुनामी चल रही, क्या कहते हैं कि मोदी की सुनामी चल रही है, आपने बोला क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर पिछली बार 19 में तो आंधी चल रही थी, लेकिन इस बार मोदी जी के नाम की सुनामी चली है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं गरीब के कल्याण के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए, जो हम लोगों ने डिमांड की उस डिमांड से भी ज़्यादा देने का काम किया है। और चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे CA कानून लागू करने की बात हो, और 500 वर्षों से अधिक हम लोग जो तपस्या कर रहे थे, जो प्रतीक्षा कर रहे थे, उस प्रतीक्षा का फल हम सब लोग को मिला है। हम सौभाग्यशाली है कि ऐसा दिन लाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर एक सुनामी चल रही है, और लोगों ने मन बना के रखा है हमारे संसदीय क्षेत्र में 13 तारीख को वोटिंग होना है। तो लोगों में आपने भी देखा होगा कि जनजातीय समुदाय हो या दलित समाज हो या अन्य कोई भी समाज हो, सारे समाजों को में एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। बीजेपी का नारा है 400 पार, और मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें, आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप से 29 की 29 सीटें इस बार जीतेगी, और 400 से भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की देश में आएगी। ये थे ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी के उम्मीदवार खंडवा से, जिनका सीधा और साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों चलेगी, मोदी की सुनामी चल रही। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चौथे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। इस बीच वो बड़वानी पहुंचे, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच पर गजेंद्र पटेल, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में जनता ने आकर समर्थन दिया है, मोदी जी की सरकार फिर से बनेगी। सभा निवासी स्थान पर मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान गजेंद्र पटेल जी के चुनाव के प्रचार के लिए आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बारे ला बहुल, ये हमारा पूरा क्षेत्र ये जनसंघ के जमाने से हमारा गढ़ है, और आज भी उस प्रकार का रिस्पॉन्स दिख रहा है। बड़ी संख्या में भाई बहन आए, और निश्चित रूप से मोदी सरकार को पुनः बनाने के लिए वो संकल्प हुए। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई।
इधर बुरहानपुर जिले के आदिवासी खकनार में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सभा की और राहुल गांधी को रणछोड़ दास बताया। कहा, राहुल गांधी हार के डर से अमेठी छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए वायनाड भाग गए। हम तो कहीं नहीं गए भैया, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों गए? राहुल गांधी रणछोड़ दास हो गए भगली, और हम उनको भरोसा नहीं कि वायनाड से भी जीतेंगे। तो रायबरेली से फॉर्म भर दिया कि धुप्पल में एक आध जगह से तो कहीं लग जाए तो वहां से जीत जाएंगे। बताओ, ऐसे नेता जिनको खुद के जीतने का भरोसा ना हो वो कांग्रेस को चुनाव जिता सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का कोई सोच सकते हैं क्या? और अभी इतनी हिम्मत नहीं कि कहें कि राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इधर खंडवा में शिवराज सिंह चौहान ने फिर से कहा कि बीजेपी की 370 सीट आएगी और एनडीए 400 पार हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और राहुल गांधी को बौखलाया हुआ बताया। राहुल तो बौखलाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। अब ये कहते हैं इनके नेता, इनके सलाहकार कि कोई चीन जैसा लगता है, कोई नेपाल जैसा लगता है, कोई कहीं जैसा लगता है। अरे, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, एक ही चेतना सब में है और हम सब एक हैं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इनका भारत की जड़ों से, माटी से, विचार से, जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो विदेशी विचारों से प्रभावित होकर काम करते हैं। इनकी सगी जगह भारत नहीं है, इटली है। इधर रतलाम पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपकी बार 400 पार वाला केक काटा गया। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी तंज कसा। द्वारा बनाया गया है, उसे माननीय मंत्री जी काटेंगे। उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने वहां पर बहुत अच्छा काम किया और छिंदवाड़ा हम जीतेंगे। कमलनाथ जी दिख क्यों नहीं रहे, कहाँ चले, कहाँ गए? उस दिन के बाद से लगातार बोल रहे कि आपने कुछ कह तो नहीं दिया उनसे कि अब आप नहीं। अब वो ऐसा है कि वो थोड़े से आराम वाले आदमी हैं, जितनी धूप में निकले तो उनके चमड़े का रंग बदल जाए। तो ये अंतर है कांग्रेस के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि हम धूप, पानी, सर्दी किसी की चिंता नहीं करते हैं। आज मोदी जी 70+ हैं, सुबह से लेकर रात तक सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई दूसरे दल का नेता एक भी उनके बराबर पर मेहनत कर रहा। चुनाव का चौथा चरण और मालवा निमाड़ का सियासी रण, यहां की 8 सीटों पर भाई जान जाएंगे किसके संग? चौथे चरण की सियासत में यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर अंचल में मौजूद 72% मुस्लिम वोट का दिल किस दल पर आएगा। देखिए रिपोर्ट। मालवा में मुस्लिम वोटर निर्णायक, 2024 का रण भाईजान किसके संग, 3 तलाक कानून पलटेगा बाजी, भोजशाला सर्वे का क्या पड़ेगा असर? राजनीतिक पार्टियों की नजर अब चौथे चरण की 8 सीटों पर है। दिग्गज दम खम लगा रहे हैं। ये 8 सीटें हैं इंदौर, उज्जैन, खंडवा, धार, मंदसौर, देवास, रतलाम, झाबुआ और खरगोन। दोनों ही पार्टियां यहां खासा फोकस कर रही हैं। इन 8 सीटों पर कई विधानसभा मुस्लिम बहुल हैं। जानकारों की माने तो मुस्लिम वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। इसमें मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मेयर के चुनाव में तो खंडवा और बुरहानपुर में मुस्लिम वोटर्स ने सारी तस्वीर पलट के रख दी है। हम मुस्लिम वोटर के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जो पार्टी मुस्लिम को लुभा लेगी वो पार्टी अच्छा खासा बेनिफिट लेगी यहाँ पर। एमपी की आबादी में करीब 60 लाख मुस्लिम हैं, इनमें से 50 लाख करीब मतदाता हैं। मालवा निमाड़ के सियासी रण की 8 सीटों पर करीब 72% मुस्लिम वोटर हैं जो नतीजे बदलने की ताकत रखते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस समुदाय के वोटर का झुकाव जिस पार्टी की तरफ हुआ, सियासी समीकरण बदले हैं। और ये बात खंडवा और बुरहानपुर विधानसभा और निगम चुनाव में देखी जा चुकी है। मेयर के चुनाव में यहाँ तस्वीर बदली जा चुकी है। जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव का पुराना ट्रेंड देखें तो वोट प्रतिशत भी खासा असर डालता है। ये अच्छी खासी तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है
और लोकसभा चुनाव के अगर हम पुराने ट्रेंड्स को अगर देखेंगे, रिजल्ट को हम देखेंगे, तो एक जातिगत आधार पर होने वाली वोटिंग का असर वोट परसेंटेज कम या ज़्यादा होने से होता है। हार जीत का कोई ज़्यादा असर इसमें देखने को कभी मिला नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव में या उससे नीचे लेवल के जो चुनाव होते हैं उसमें निश्चित रूप से असर होता है कि मुस्लिम मतदाता तो एक पार्टी विशेष के लिए और एक विचारधारा विशेष के लिए जो है वो वोट करता है, मगर अभी देखा है कि कुछ कानून बने हैं उसमें मुस्लिम महिलाओं से किसी पार्टी को एक समझिए कि वोटों की बहुत उम्मीद है, तो ये तथ्य भी जो है शायद सामने आए और ये परिणाम जो है इसमें मुस्लिम मतदाता की भूमिका को हमें देखना होगा, ये बहुत रोचक होगी। विधानसभा चुनाव में बदली जीत हार की तस्वीर। बीजेपी को जहां मुस्लिम समुदाय के लिए बनाए गए 3 तलाक कानून समेत अल्पसंख्यक कल्याण की केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसा है, दूसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर न सिर्फ सूबे की सियासत को गरमा रही है बल्कि कुछ सीटों पर खास फोकस कर जीत का दावा भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। वीडी शर्मा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, अनिल फिरोजा के लिए जनसंपर्क किया और लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी वक्त है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी मतदान के बाद गुणा गणित में जुटे हुए हैं। पोलिंग एजेंट के माध्यम से प्रत्याशी ये गणित लगाने की कोशिश में हैं और इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि पोलिंग एजेंट्स के जरिए जो फीडबैक आया है उससे साफ है कि सभी सीट हम जीत जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 2019 साल दूसरा था, अब साल 2024 है, दूसरा साल है। फीडबैक के अनुसार एनडीए की सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार की आत्मघाती राजनीति को शुरू किया है, चाहे विरासत टैक्स की बात हो, सनातन पर अटैक की बात हो, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा विरोध की बात हो, इसको लेकर के जनता में भारी रोष है और हम देखेंगे कई सीटों पर कांग्रेस को जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आदरणीय राहुल गांधी जी के, आदरणीय खड़गे जी के हाथों को मजबूत करने वाला जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 3 चरणों में दिया है और हम पिछले 2 चुनावों के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जो फीडबैक आ रहा है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि 2009 का प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी दोहराने जा रही है। पिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, जिन्होंने पुलिस और प्रशासन पर ही बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों और एसडीएम पर ही पोलिंग बूथ को लूट लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और लोकतंत्र को खतरे में उन्होंने बताया इस घटना के बाद और कहा है कि थानेदारों का वारंट जारी कर दिया जाएगा तो डाकू भी शर्मा जाएंगे। इसके साथ ही फूल सिंह बरैया ने स्थानीय मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। कि अगर ये ऊधम पट्टा नहीं करते, ये लोकतंत्र का गला नहीं घोंटते, ये लूटते नहीं, तो फूल सिंह बरैया 2,25,000 के इर्द गिर्द जीतने की तैयारी थी। अब इन्होंने मेरे 75,000 वोटों का टांका डाल दिया है, अब मैं 1,50,000 के आसपास जीतना जीतूंगा, यह है पोजिशन। रतलाम में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया, उन्होंने अजीबोगरीब ऐलान कर दिया और जनसभा में कहा कि हर महिला के खाते में 1,00,000 रुपए भेजने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। हर महिला बोल दिया उन्होंने और ये भी कह दिया कि जिसकी 2 बीवियां हैं उसको 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। भूरिया का बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी
चीफ जीतू पटवारी ने भी कहा कि आपके जो भावी सांसद भूरिया जी हैं, इन्होंने अभी बहुत भयंकर घोषणा कर दी, जिसकी दो पत्नियां उसको डबल। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को एक एक लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा, एक लाख सभी घर की महिलाओं का, ये मालूम है कि नहीं? मन पर राजे था मेरे पिता तुल्य, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भावी अभी नए सिरे से लोकसभा के सांसद आदरणीय राजा साहब, जरा जोरदार ताली बजाओ तो एक बार। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी दो पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।